नमस्ते, हमारा आज का क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5x+7y = 3 और 7x+5y = 9। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हम एक बार जो इक्वेशन दिया है हमें क्वेश्चन में, हम उसे एक बार वापस लिखेंगे। 5x+7y = 3 एंड 7x+5y = 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, एक ये बॉक्स हो जाएगा, एक ये बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, ये डेल्टा के डिपार्टमेंट में जाएगा। ठीक है, और ये कैपिटल एक्स के डिपार्टमेंट में जाएगा। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने तो कैपिटल एक्स लिया है, आप कैपिटल वाई ले सकते हैं, कैपिटल ए ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले डेल्टा लिखते हैं, 5, 7, 7, 5। ठीक है, हमने पहले लिख दिया, अब हम x के डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं 3 और 9। ध्यान रखें ये कैपिटल x है, ये स्मॉल x नहीं है। ओके, तो हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट डेल्टा को हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं, 5, 7, 7, 5। ठीक है, सो हम डेल्टा एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5, 5 ऐसे मल्टीप्लाई होगा और 7, 7 ऐसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऐसे में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये नंबर यहाँ से होगा, ये नंबर यहाँ से होगा, सो 5, 5 इज़ा। और आपको कहाँ से शुरू करना है, आपको यहाँ से शुरू करना है, 5, 5 इज़ा 25 माइनस 7, 7 इज़ा 49। ठीक है, इक्वल्स कितना आएगा, -24। ओके, तो हमको हमारा डेल्टा का वैल्यू क्या मिला, -24। ठीक है, अभी जो हमने जो ये लिखा है कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू 3/9। ठीक है, तो ये जो डेल्टा है, डेल्टा 5, 7, 7, 5। ठीक है, तो ये जो है ये फर्स्ट एक्स कहलाएगा, स्मॉल एक्स, और ये जो है ये वाई कहलाएगा। ठीक है, अपन को यहाँ पर इक्वेशन दो दिए हुए, एक तो एक्स दिया हुआ है, एक वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इंस्टेड ऑफ एक्स का ये जो कैटेगरीज है, हम इसको निकाल कर जो एक्स की वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, ये एक्स में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हम पहले लिख लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ 5 एंड 7 वी विल राइट 3, 9, 3, 9 और 7, 5। ये तो ऐसे के ऐसे ही आएगा। अब बोलेंगे ये ऐसे के ऐसे क्यों आएगा, तो इसका रीज़न ये है कि हम फर्स्ट डेल्टा एक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमको फर्स्ट वाला कॉलम है हम इसे चेंज कर रहे हैं। जब हम डेल्टा वाई फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा वाई फाइंड आउट करेंगे ना, तो हम ये वाला कॉलम चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार नीचे वापस लिख लेता हूँ। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 3, 9, 7 एंड 5। ठीक है, तो हम जैसे ही डेल्टा को भी इससे ऐसे मल्टीप्लाई करे थे साइड बाय साइड से, वैसे इसको भी करना है, कहाँ से, राइट बॉटम से। सो 5, 3 ज़ा 15, 5, 3 ज़ा 15, 7, 9 ज़ा 63, कितना बचा, -48। ठीक है, सो हमारा डेल्टा एक्स क्या मिला हमको, -48। ठीक है, अभी हम सिमिलरली डेल्टा वाई को करेंगे। ठीक है, सो हमारा क्या है सीन, डेल्टा इज इक्वल्स टू 5, 7, 7, 5। ठीक है, सो अभी हम डेल्टा वाई फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अभी क्या चेंज होगा, ये वाला कॉलम चेंज होगा हमारा। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ, 5, 7 इंस्टेड ऑफ 7 एंड 5 वी विल राइट 3, 9। ठीक है, अब ये इधर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, इक्वल्स इसको भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ से, राइट बॉटम से, 9, 5 ज़ा 45 माइनस 7, 3 ज़ा 21। ठीक है, कितना होगा बोलिए, 24। ठीक है, तो हमारा डेल्टा वाई क्या आया, 24। ठीक है, तो हमको अभी तीन चीज़ मिल चुकी है, फर्स्ट डेल्टा इज इक्वल्स टू -24, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू -48, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 24। ठीक है,
तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि अपन को दो इक्वेशन दिए जाते हैं और हमको यूजिंग क्रेमर्स रूल सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये जो वैल्यूज़ नहीं है इधर, हमें इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, यानी एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब वो हम कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। तो आपको यहाँ पर तीन इक्वेशन मिले हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है आपका, डेल्टा इज इक्वल्स टू -24, ठीक है। और अपना सेकंड और थर्ड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू -48, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। अपने तीन इक्वेशन हो गए, अभी हम सेकंड इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू -48, ठीक है। तो अभी हमको इसके अंदर से x फाइंड आउट करना है। x का फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा, ठीक है। x फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा, सॉरी आपको दिखाने मैं वापस समझा देता हूँ, डेल्टा x इज इक्वल्स टू -48 अपन को वैल्यू मिला था, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा, ये अपना फॉर्मूला है, ओके। सो अपना डेल्टा x का क्या वैल्यू मिला था अपन को, -48 डिवाइडेड बाई डेल्टा का वैल्यू क्या है अपना, यहाँ पर देख लीजिए, -24, ठीक है। तो हम उसे लिख देंगे -24, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, ठीक है। 24 वन ज़ा 24, 24 टू ज़ा 48, सो क्या मिला अपन को, 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2, x इज इक्वल्स टू वैल्यू अपन को क्या मिला, 2, ठीक है। सिमिलरली हम y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मैं यहाँ पर नीचे ही कर लेता हूँ, y इज़ इक्वल्स टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा, ठीक है। अपन को डेल्टा y का क्या वैल्यू मिला था, 24, तो 24 इधर लिख देता हूँ, ठीक है। और अपन को डेल्टा का क्या वैल्यू मिला था, यहाँ पर देख लीजिए, -24, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँगा -24, सो माइनस इधर एक ही ऊपर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा अपना, माइनस में आएगा। 24 वन ज़ार, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आया अपना, 1, -1 सॉरी। सो देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1, ये स्मॉल लेटर्स में आएंगे, ओके, ये आपको ध्यान रखना है।